उत्तर की ओर बढ़ रहा है चक्रवात रेमिल, बंगाल में मचा सकता है तबाही। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमिल के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपपाड़ा के बीच आज रात टकराने की आशंका है। अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक तूफान उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी क्षेत्रीय निदेशक हैं सोमनाथ दत्त ने बताया कि सुबह 8:30 बजे रिमल गंभीर चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ रहा है। प्रातः 11:30 बजे उसी स्थिति में था। मौजूदा समय 95 से 105 किलोमीटर की स्पीड को बढ़कर 115 किलोमीटर किमी प्रति घंटा हवा चल रही है। यह और अधिक तीव्र होगा। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात का स्थान बांग्लादेश के मोंगला से सीधे 310 किलोमीटर दक्षिण में है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर की ओर बढ़ गया है। आज रात 8:30 बजे बंगाल की उत्तरी खाड़ी में अक्षांश 19.8 डिग्री उत्तर और देशांतर 89.3 डिग्री ई के पास खेपपाड़ा बांग्लादेश से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मोंगला बांग्लादेश से 310 किलोमीटर दक्षिण, सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कैनिंग पश्चिम बंगाल से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। बांग्लादेश में खेपपाड़ा से 260 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सागर द्वीप से 240 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में चक्रवात दक्षिण 24 परगना के कैनिंग से 280 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में स्थित है। गंभीर चक्रवात रिमल के चक्रवात केंद्र की घूर्णन की वर्तमान गति 90 से 100 किलोमीटर है। अधिकतम 110 किमी भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल समुद्र में इसकी अपनी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग ने आधी रात को इसके बंगाल के तट से टकराने की आशंका जताई है। आधी रात को चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपपाड़ा के बीच तट से टकराएगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट प्रबंधन ने दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित कर दिया है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में भी 6 बजे से 12 घंटे के लिए सभी कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग का काम बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। 5 टीमें स्टैंड बाय में भी रखी गई है। वहीं बिजली बहाली के लिए भी आपातकालीन टीमों की तैनाती की गई है। सभी जगहों पर माइकिंग के माध्यम से पहले ही अलर्ट करवा दिया जा रहा है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में पूर्व मानसून का यह पहला चक्रवात है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बार बार घोषणा की जा रही है। खेपपाड़ा एवं सागर आइलैंड मास दिए मंगोलार मंगोलार साउथ मंगोलार बांग्लादेश मंगोला हां बांग्लादेश से जो मंगोला আছে না ল্যান্ডফল কি ওইখানটাতে মঙ্গোলাতে ল্যান্ডফলটা ল্যান্ডফলটা মঙ্গোলার কাছে মঙ্গোলার কাছে ক্লোজ টু সাউথ ওয়েস্ট অফ মঙ্গোলা আরে মঙ্গোলার সাউথ ওয়েস্টের খুব কাছাকাছি ওখান দিয়ে ল্যান্ডফল হওয়ার কথা। ওই যে বললাম যখন থাকবে তখন হবে 110 থেকে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং গাস্টিং হবে 135 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো বুঝতেই পারছেন আপনার আমফানের তুলনায় এর শক্তি জন্য কি বুঝতে পারছেন আর কি সাগর এবং সুন্দরবন এবং কোস্টাল এরিয়া কলকাতার টা পড়ে আপনাদের জানাবো।